हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा सिटी। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड था। मैं आपको यहाँ दो वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हमने पहले वीडियो में बात की थी यूरोपियों का भारत आगमन। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि यूरोपीय भारत में कैसे आते हैं, कौन कौन सी पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, वो सब यहाँ पे कैसे कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत आती है, अपने आप को शुल्क मुक्त कराती है। फिर दूसरे वीडियो में हमने ये देखा था कि तीन जो सबसे बड़ी शक्तियाँ थी, बंगाल, मैसूर और मराठा, उनसे उनको अंग्रेज कैसे युद्ध करके कैप्चर करते हैं। अब जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये तीनों तो बहुत बड़ी बड़ी पावर्स थी, उसके अलावा कुछ छोटे छोटे राज्य भी थे। अंग्रेज सबसे तो लड़ाई करेंगे नहीं, उनके लिए कुछ पॉलिसी ले आते हैं। पॉलिसी वो राजाओं के लिए भी लेके आते हैं, सैनिकों के लिए भी लेके आते हैं और किसानों के लिए भी लेके आते हैं। इस पॉलिसी, ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी को समझने के लिए हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पॉलिटिकल पॉलिसी, इकोनॉमिकल पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, राजनीतिक नीति, आर्थिक नीति और सैन्य नीति। पॉलिटिकल पॉलिसी में ज़्यादातर राजाओं को कैसे कैप्चर किया गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, राजाओं के राज्य को कैसे कैप्चर किया गया। ओके, तो देखिए, सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सहायक संधि नीति। सहायक संधि नीति 1798 से 1805 के काल में, लॉर्ड वेलेसली के काल में आई थी। इसमें क्या था, सहायक संधि नीति के अंतर्गत अंग्रेजों का कहना था कि मान लीजिए अगर किसी दो राज्य के बीच झगड़ा है और कोई एक राज्य उसमें अगर कमज़ोर पड़ रहा है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता ले सकता था, लेकिन उसको बदले में क्या करना होगा, अपनी जो उसकी सैन्य शक्ति है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैन्य शक्ति है उसका इस्तेमाल करेगा और बदले में कुछ पैसा देना होगा। अब जब राजा यहाँ पे अपनी सेना हटा देगा, पूरा का पूरा डिपेंड हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करेगी। तो अब इससे क्या होंगे, राजा परेशान होंगे, या तो फिर वो लड़ाई करें अंग्रेज़ों से, या फिर अपना राज्य लड़ाई में हार करके उनको दे देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। यही हुआ, हैदराबाद, मैसूर, अवध और पेशवा ने इस नीति पर हस्ताक्षर किया, क्योंकि उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की ज़रूरत थी। इसमें क्या हुआ, इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि इन सारे में हैदराबाद जो था वो सबसे पहला राज्य था जिसने इस नीति पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद अवध एवं पेशवा के आधे से अधिक राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ले लिए गए, क्योंकि अवध और पेशवा एक बड़ी, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य था उसमें उनका, लेकिन उसका उन्होंने क्योंकि सहायक संधि नीति पर हस्ताक्षर किए थे, इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके आधे से अधिक राज्य ले लिए। दूसरी पॉलिसी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या लेके आती है, सर्वोच्चता की नीति। सर्वोच्चता की नीति, जैसे कि आपको यहाँ नाम ही से समझ में आ रहा होगा कि अंग्रेज़ अपने आप को सर्वोच्च डिक्लेयर करना चाहते थे, लेकिन वो सर्वोच्च अपने आप को तब तक साबित नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ मुगलों का शासन रहेगा। अब अपने आप को सर्वोच्च करने के लिए, वो सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए इंडिया के आसपास के जो जगह थी उस पर पहले वो युद्ध करते हैं। इसमें वो सबसे पहला युद्ध होता है आंग्ल अफगान युद्ध जो होता है वो 1838 से 1842 के बीच में होता है। इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे। इस युद्ध का कारण क्या था, रसिया बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा था। अंग्रेज़ों को डर था कि कहीं ये रसिया और भारत के बीच में अफगान पड़ता था, अंग्रेज़ों को कहीं ये डर था कि रसिया फैलते फैलते इसका प्रभाव कहीं भारत तक ना आ जाए और ये हमारी शक्ति को कमज़ोर कर दें, इसलिए ये पहले अफगान को जीत करके वहाँ अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे। इसलिए आंग्ल अफगान युद्ध इसका परिणाम होता है, जो कि 1838 से 1842 के बीच में होता है। दूसरा, 1843 में सिंध पर कब्जा कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे वो लॉर्ड एलनबरो थे। तीसरा आता है 1848 से 1849, इसमें पंजाब पर कब्जा किया, इसमें जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे। सिखों का अंतिम राजा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो ये दिलीप सिंह थे। तीसरी नीति क्या लेकर के आते हैं अंग्रेज, विलय की नीति या हड़प की नीति। विलय की नीति या हड़प की नीति 1848 से 1856 में लॉर्ड डलहौजी के काल में आती है। इस नीति के अंतर्गत जो भी राजा जिनका खुद का कोई पुत्र नहीं है, गोद लिए हुआ पुत्र है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी उसका लीगल, मतलब कि वैध उत्तराधिकारी नहीं समझेगी और उनका जो राज्य होगा उसको ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले लेगी। देखिए, अब ये चीज़ तो राजाओं को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसके पहले भी लोग, राजा जो थे वो पुत्रों को गोद लेते थे, बस करते क्या थे, मुगल बादशाह जो थे उनसे जा करके वो ब्लेसिंग, आशीर्वाद ले लेते थे और फिर अपना साम्राज्य आगे बढ़ाते थे। लेकिन जब ये लॉर्ड डलहौजी यहाँ आता है
तो वो क्या करता है, हड़प की नीति ले आता है, जिसके अंदर ये कहता है कि अगर किसी के पुत्र नहीं है और उसका कोई गोद लिया हुआ पुत्र अगर उनके राज्य में है तो वो विलय हो जाएगा अपने आप ईस्ट इंडिया कंपनी में। इसके अंतर्गत सतारा जो कि महाराष्ट्र में, संभलपुर जो ओडिशा में, उदयपुर, नागपुर और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे, ये सारी विलय की नीति के अंतर्गत हड़प लिए गए राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ये तो हुआ आपकी पॉलिटिकल पॉलिसी, मतलब राजनीतिक नीति। दूसरी आएगी आपकी इकोनॉमिकल पॉलिसी। जैसा कि आपको यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ पैसे से रिलेटेड होगा। अब पहला इसमें आता है स्थाई बंदोबस्त। स्थाई बंदोबस्त जो लाने वाले थे वो 1793 में आता है, ये लॉर्ड कार्नवालिस थे। स्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत एक टैक्स लगाया गया भूमि पर, भूमि कर लगाया गया, भूमि पर जो टैक्स लगाया गया उसमें क्या किया गया कि ये कर जो था इसमें 70 से 80% वसूली की जाती थी। लेकिन अंग्रेज़ों को ये डर था कि अंग्रेज़ अगर किसानों से डायरेक्ट कर वसूली करेंगे तो उनका गुस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डायरेक्ट फूटेगा, इसलिए वो बिचौलियों का इसमें इस्तेमाल किए और यहाँ बिचौलियों के तौर पे ज़मींदारों को उन्होंने इस्तेमाल किया। और ये आई कहाँ थी, ये 10 साल के लिए स्थायी बंदोबस्त बंगाल पर लागू हुआ था, इसमें भूमि पर कर देना होता था। अब बताइए, किसान जितना पैदा कर रहा है अगर उसका 70 से 80% वो अगर कर के रूप में अंग्रेज़ों को दे देता था तो उसके पास फिर बचेगा क्या? इससे किसानों की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जाएगी। आप देख रहे हैं उधर राजा तो परेशान है ही, फिर स्थाई बंदोबस्त के अंदर देख रहे हैं किसान भी परेशान है। दूसरा है महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त भी टैक्स से ही रिलेटेड है। इसमें महाल जो होता है ये एक इकाई होती थी महालवाड़ी बंदोबस्त की। महाल का मतलब होता है नंबर ऑफ विलेजेस, कितने संख्या में गाँव हैं। ये 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। ये यूपी और पंजाब पर लागू होता है। इसमें जो बिचौलिए होते हैं वो गांव के प्रमुख को बनाया जाता है। वो यहाँ जो स्थाई बंदोबस्त मैंने इसके पहले आपको बताया, स्थाई बंदोबस्त ये बंगाल में आया था, लेकिन जो दूसरा वाला महालवाड़ी बंदोबस्त है ये यूपी और पंजाब पर लागू किया गया था। तीसरा आता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ये 1820 में लागू होता है, जिसको टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ले आते हैं। यहाँ रैयत का मतलब किसान होता है। अब क्या होगा, जो ऊपर की दो हमने देखे नीतियाँ, ये स्थाई बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त, ये तो नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के हो रहा था, लेकिन जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है ये साउथ पार्ट में होता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त साउथ पार्ट में होता है, तो नॉर्थ इंडिया के कंपेयर में साउथ इंडिया की जो भूमि है वो प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, क्योंकि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट उधर पड़ते हैं। इसका क्या होता है कि वहाँ पर ज़मींदार इनको अंग्रेज़ों को मिलते नहीं हैं, तो कर जो होता है वो सीधा का सीधा किसानों से वसूला जाता है। अब जब कर जो है सीधा किसानों से वसूला जाएगा तो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि टैक्स को उनको कम करना पड़ेगा, नहीं तो गुस्सा उनका उन्हीं पे फूटेगा। और ये कहाँ लागू किया गया था, ये मद्रास और बॉम्बे में लागू किया गया था। अब यही कारण होता है कि 1857 में जो क्रांति होती है उसमें नॉर्थ इंडिया के किसान ज़्यादा उसमें शामिल होते हैं एज़ कम्पेयर टू रैयत साउथ इंडिया के जो पीजेंट होते हैं। ओके, फिर उसके बाद तीसरा हम यहाँ पे देखेंगे मिलिट्री पॉलिसी, सैन्य शक्ति, सैन्य नीति। सैन्य नीति में क्या हुआ कि जैसा कि आपने देखा था कि सहायक संधि के अंतर्गत राजा अपनी मिलिट्री को हटा करके ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री को शामिल कर ले रहा था, इससे क्या होती थी कि जो राजा की जो सेना होती थी वो बेरोजगार हो जाती थी। अब अगर सैनिक बेरोजगार होते थे तो उनके पास दो ही ऑप्शन बचता था, एक तो था कि या तो अपने गाँव वापस लौट जाए और वहाँ खेती करें। आप देख ही रहे हैं कि स्थाई बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त के लगा करके अंग्रेज़ों ने किसानों की हालत बर्बाद कर दी थी, तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बतौर सैनिक वो शामिल हो जाएं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपनी तो सैन्य शक्ति है ही, ऊपर से अगर भारत की सैन्य शक्ति भी उसमें शामिल हो गई, तो अगर आपके पास डिमांड से ज़्यादा आपको सप्लाई है तो क्या होगा, रेट कम हो जाता है। यहाँ पे सैनिकों की ज़रूरत उतनी थी नहीं, लेकिन सैनिक उससे ज़्यादा थे, तो क्या जाता था, उनको शामिल तो कर लिया जाता था सेना में, लेकिन उनको पैसे कम दिया जाते थे और काम ज़्यादा करवाया जाता था, इससे सैनिक परेशान होने लगे। दूसरा था कि जो ब्रिटिश सैनिक थे वो इनके साथ नस्लीय भेदभाव करते थे, रंग को लेकर के भेदभाव करते थे। तीसरा कारण और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये हुआ कि 1856 में कारतूस आए, उसमें गाय व सुअर के से बनी ग्रीस का प्रयोग हुआ। इसमें क्या होता था कि जो कारतूस होता था उससे बारूद को अंदर भरा जाता था, गन पाउडर को अंदर भरा जाता था, तो उसको मुंह से छीलना पड़ता था। अब यहाँ पे गाय और सुअर के चर्बी के से बने कारतूसों का इस्तेमाल हुआ। ये अफवाह ऐसी फैली, और जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में मुस्लिम और हिंदू सैनिक थे, इससे उन दोनों का धर्म भ्रष्ट हुआ। और इसका परिणाम क्या होता है, बैरकपुर
छावनी में वेस्ट, जो कि बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है, वहाँ का एक सैनिक होता है मंगल पांडे, जो 34th रेजिमेंट का होता है, उसने अपने इसी कारण सीनियर ऑफिसर को गोली मार देता है क्योंकि वो गाय और सुअर से बनी ग्रीस का इस्तेमाल, कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। तो इससे क्या होता है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है, और यही कारण बनता है कि 10 मई 1857 को सारे सैनिक मेरठ में इकट्ठा होकर 1857 की क्रांति का आगाज करते हैं। अब यहाँ आपने अभी तक देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को यहाँ पे फ़ायदा कमाने आई थी, ये ब्रिटिश की तरफ से एक कंपनी बनाई गई थी जो यहाँ पे फ़ायदा कमाने आई थी। फ़ायदा कमाने के चक्कर में और इंडिया को कैप्चर करते करते ये लोग इस हद तक पहुँच गए कि जिससे राजा भी परेशान हो गई, सैनिक परेशान हुए, किसान परेशान हुए, और इससे क्या होता है 1857 की क्रांति इसका परिणाम बनती है। तो अब हम अगली अपनी वीडियो में ये देखेंगे कि 1857 की क्रांति कैसे हुई, कहाँ हुई, ये सब के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। थैंक यू सो मच।